Lights, camera. अस्सलाम वालेकुम, स्टार इफ्तार विद सरमद खुसट में खुश आमदीद। बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आज हम आपके लिए कुछ मज़े मज़े की और डिशेस लेकर आए हैं। उनको पकाने के कुछ सीधे कुछ उल्टे तरीके मैं आपको बताऊंगा, गौर से देखिएगा। और मेरे साथ है मेरी हमजाद जी। यकीनन मैंने बहुत सोच समझ के ये लफ्ज़ कहा। बहुत से एक्टर्स होते हैं, वो एज अ डायरेक्टर आपके फेवरेट होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये उन बहुत कम से एक्टर्स में है जो एज एन एक्टर मेरी बहुत फेवरेट है, क्योंकि ये मेरा काम बहुत आसान कर देती हैं। द सुपर टैलेंटेड एंड द सुपर काइंड निमरा बुच्चा। हेलो हेलो हमजाद, कैसी हैं निमरा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप आज मेरे लिए कुछ पकाएंगे या मैं आपके लिए पकाऊंगी? या मेरा ख्याल है मिल के पकाएंगे। मैंने आपको हमजाद इसलिए कहा है कि आप वो कुछ करेंगी जो मैं यहाँ करूँगा। हम कोशिश करेंगे हम एक दूसरे को देख देख के बिल्कुल वैसे ही काम करें। कुछ शीशा हमारे लिए होना चाहिए जिसमें हम जो है ना एक इंसान दूसरे इंसान का शीशा बन पाए। निमरा, इससे पहले कि हम मज़ीद तारीफ़ें करें, मैं चाहता हूँ मेरे किचन में आ जाएं। जी मेरे लिए बैठना बहुत मुश्किल हो रहा था। हाँ मुझे पता है, मुझे पता है उस बेचैनी का। निमरा, सबसे पहले मैं आपको जल्दी से बता दूँ कि आज मैं कौन सा कीमा बना रहा हूँ। इस कीमे की डिश जो चिकन के साथ मैं बनाऊंगा, इसको मेरी दादी बनाती थी और ये मैंने उनको देखा और ये बचपन में मेरा बड़ा फेवरेट होता था। वो इसको खड़े मसाले का कीमा कहती थी। मैं इस कीमे की डिश को एक नया नाम दे रहा हूँ, उसका नाम है निमरा बुच्चा स्पेशल। निमरा बुच्चा का कीमा। अगर इस प्याज को आप मुझे थोड़ा थोड़ा मोटा लेकिन लंबे रुख पे ही। अच्छा, आप मुझे बताएंगे अगर गलत कर रही होंगी तो प्लीज बताइएगा। और उतनी देर में जनाब मैं चूल्हा जला लेता हूँ। इस प्याज से आंसू आते हैं? जी जी, आंसू इंसान को जिंदगी में बहुत सी बातों पे आते हैं, प्याज उनमें से मैं ख्याल सबसे बेजरर सी बात है। जनाब आज हम फिर थोड़ा सा बदपरहेजी वाला कह लें या थोड़ा सा अयाशी वाला काम कह लें, आज हम देसी घी में ये कीमा पकाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही शदीद देसी डिश है। मेरी दादी का ताल्लुक दिल्ली से था और वो जो सारे खाने बनाती थी उनके अंदर जायका सबसे पहले मलहूज खातिर रखा जाता था। तो जनाब इसके लिए आपको देसी घी चाहिए। मैंने तकरीबन दो बड़े बड़े टेबल स्पून, क्योंकि मैं आधा किलो कीमा, ये तो ज़्यादा है, इसमें से आधा किलो कीमा इस्तेमाल करूँगा। लहसुन चाहिए होगा, जिसको सबसे पहले मैं इसमें डालने लगा हूँ। लहसुन अदरक के साथ आपने इस कीमे को चूटते ही बिल्कुल चढ़ा देना है। अब आप कोई रोने वाली बात ना कीजिएगा, क्योंकि अगर ये मैं कहने में बिल्कुल आंसू बिल्कुल आंखों के। अच्छा निमरा, इसका कोई टोटका प्याज के अंदर आंसू ना आए? अच्छा, जब मैंने ये ट्राई किया है वैसे, हाँ। कि सनग्लासेस भी पहन के आप काट सकते हैं, उससे नहीं आता, नहीं आता। और थोड़ा सा यूं करके अगर काटे तो भी नहीं आता, लेकिन उससे उंगली कटने का डर है। देखिए, मैंने सुना है कि पानी के अंदर अगर प्याज को भिगो दें तो वो जितने आंसू आपकी आंखों में पहुंचाता है वो पानी के अंदर। लेकिन आपको पता है ना कि प्याज पानी से अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट होता है, हाँ ये भी है। तो जी, कीमा मैंने जो है वो लहसुन के साथ इधर इसमें चढ़ा दिया है, आधा किलो कीमा। और अब मैं थोड़ा सा इसमें अदरक डालने लगा हूँ। पिसा हुआ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जितने भी ताज़ा तरीन इंग्रेडिएंट्स आप इस्तेमाल करें उतना अच्छा है। तो निमरा मुझे ये बताइए कि खुदा ना खास्ता अगर निमरा बुच्चा इंसान ना होती, मतलब चले फर्ज हाँ। कर लें जिंदगी में बहुत सी चीज़ें, आपको ये यकीन है कि मैं इंसान हूं? मुझे बेतहाशा यकीन है और मुझे इतना ज़्यादा यकीन है कि आप सिर्फ इंसान नहीं, आप एक बहुत अच्छी इंसान हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता तो आप कोई खाने पीने की चीज़ होती या कोई सब्जी फल कोई ऐसा, तो आप क्या होती? हाँ, ये प्याज तो ना होती, क्योंकि अभी मैंने इसका बहुत बुरी तरह से कुछ छोटा बड़ा कुछ आप देख लें इसको जरा। ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। असल में वो जो खड़ा मसाला मैंने बोला ना, तो इसमें आमतौर पे तो जब हम अपनी देसी हांडी के अंदर जो मसाला बनाते हैं वो टमाटर प्याज का बनाते हैं, फिर उसमें गोश्त डाला जाता है, लहसुन अदरक। इसमें उल्टा इसलिए होगा, एक तो इसको बहुत ज्यादा पकाया नहीं जाएगा, प्याज को भी और टमाटर को भी नहीं। हम लेटर स्टेज पे डालेंगे ताकि वो भी मोटा मोटा रहे, और उसके अलावा जो फिर खड़ा मसाला है वो मैं भी बताऊंगा और कौन सा। तो आप बता रही थी कि अगर आप इंसान ना होती तो आप क्या होती? क्या होती?
मेरे ख्याल में मैं अनार अनार कली या अनार मुझे बता। नहीं मुझे ये बात ये सवाल बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसका बिल्कुल मुझे समझ नहीं आया इसलिए मैंने जो मेरे अच्छा लेकिन मुझे बताया कोई खाने पीने की ऐसी चीज जिससे बहुत ज्यादा कोई मतलब लगाव हो या ऑब्सेशन हो जिसके बगैर गुजारा ना हो। अच्छा इस सवाल को मैं एक और तरह से पूछता हूँ, अगर आपको ये कहा जाए आजकल तो दूसरे सयारों पे इंसान जा सकता है कि इस सयारे से आपको कुछ अरसे के लिए कहीं और जाना है और वहाँ ये सब्जियाँ वब्जियाँ नहीं मिलेंगी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप कहेंगी कि मैं खाए बगैर नहीं जाऊँगी? ओह अच्छा ये तो हो ही नहीं, रोटी मैं रोटी नहीं छोड़ सकती तो मैं वो अपने साथ ले जाऊंगी, आप वहां पर जो भी खाने को मिल जाए मतलब मैं रोटी में डाल के खा लूंगी। आप एक लिफाफे में रोटी साथ भी ले जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब और घर की हो तंदूर की ना घर की लेकिन आपको पता है ना जो लाहौर के तंदूर है वहाँ की रोटी बड़ी मजे की होती है। लाहौर बस भी मैं आप मुझे ये बताइए पंजाब में लोग ये कच्चा प्याज इतना क्यों खाते हैं? क्योंकि अच्छा होता है, आपने खुद का डिसइंफेक्ट करता है इसलिए तो नहीं खाते। फिर किसलिए खाते पता मुझे नहीं अंदाजा, लेकिन क्योंकि मैं भी एक पंजाबी के साथ रहती हूँ जिनको प्याज का बहुत शौक है, तो ये सही है प्याज। तभी मेरा ख्याल है आपने ये हनीफ के बारे में सोचते हुए तो प्याज निमरा ने काट लिया, टमाटर मैंने काट लिया, निमरा हरी मिर्चों को काट रही है। मैं आपको जल्दी से बता दूं वो साबुत मसाले कौन से हैं। इसको अचार का मसाला भी कहा जाता है, अचार में डलती है सौंफ, मेथी का बीज और कलौंजी। तो इसकी एक और क्विक ट्रिक ये भी होती है जो हमारी दादी वैसे करती थी कि जो अचार जब खत्म हो रहा होता है, जब उसमें से सब आप लसूड़ा और आम खा चुके तो उसके नीचे मसाला बच जाता है, तो वो इस सारे को डालने के बजाय इसको दम के वक्त अचार डाल देती थी। गुड आइडिया। तो वो भी खड़े मसाले का, लेकिन ये मैं उस असली तरीके से बना रहा हूँ जिस तरीके से वो बनाती थी। So, ये धुआं धुआं सा जो उठ रहा है कीमे से ये इस बात की खुशबू आ रही है और ये इस बात की गवाही है कि कीमा बस जब हल्का सा गलना शुरू हो जाए। अच्छा अगर आप इसके बजाय वो डालना चाहते हैं बीफ का कीमा या मटन का कीमा सो वो आपको पता है कि उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, मगर चिकन का जो कीमा है वो थोड़ा जल्दी पक जाता है। तो जब ये बस ये हल्का सा इस लेवल पर आ जाए तो इसमें हम डालेंगे नमक। नमक आप अपने हंस पे जायका डालिए। अच्छा जी ज़रा सा ना हमें तो वैसे भी जरूरत नहीं है बस सही है। नहीं थोड़ा नहीं और थोड़ा सा तो और बस नहीं थोड़ा हम बहुत कम नमक डालते ओके हम कम नमक वाला खाना बनाएंगे जनाब। चलें और इसके अंदर ये जो तीन मसाले जाने हैं निमरा ये अगर आप पकड़े मेरे लिए तो एक चम्मच जाएगा जी छोटा पूरा चाय का भरा हुआ सौंफ का, तकरीबन इतना ही जाएगा कलौंजी का, थोड़ी सी कलौंजी में ज़्यादा डाल सकता हूँ क्योंकि इसका जायका अच्छा होता है, और एक पूरा चम्मच भरा हुआ जाएगा मेथी के बीज का। इसको बस थोड़ा सा मैं जल्दी से वो क्या इसको क्या कहते हैं दादरा कर लेंगे या मतलब बस इसको आपने ऐसे मोटा मोटा सा कर लेना है। मैं गिरा भी रहा हूँ साथ साथ थोड़ा सा, आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना कि वो हल्का हल्का वो हो जाए, थोड़ी सी जैसे उसकी खुशबू आ जाए। इसी स्टेज पे हम ये टमाटर डाल देंगे, आप वहाँ से वो प्याज भी डाल सकती हैं बीच में। मैं डाल दूँ? जी बिल्कुल डाल दीजिए आप। तो प्याज हमने निमरा तकरीबन कितना इस्तेमाल किया, आधा किलो कीमे में हमने दो दरमियाने और इसी तरह दो बड़े बड़े टमाटर थे। तो प्याज से आपने घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि हम पंजाबी हैं और प्याज से इसलिए भी नहीं घबराना क्योंकि प्याज इसमें मोटा मोटा जायके में आना चाहिए भी। ठीक, मैं इसमें डालूंगा साबुत वाली लाल मिर्च। इतनी सारी क्योंकि अब ये चूंकि भुनेगा तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा कि इसमें से वो निकले, लेकिन चूंकि इसके अलावा कोई और मिर्च नहीं है तो हरी मिर्च भी है, सच मुझे भूल गया, तो फिर हम थोड़ी कर ये मैं घर ले जाती हूँ, तो थोड़ी कर लेते हैं ये हम एंड में ऊपर गार्निश के लिए इस्तेमाल कर लें। अच्छा निमरा एक चीज क्या खैर मैंने बहुत सी चीजें निमरा से और निमरा के सुपर इंटेलिजेंट और सुपर टैलेंटेड हस्बैंड मोहम्मद हनीफ साहब से जो कि हमारे मुल्क के मायानाज नावल निगार हैं, राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुत चीज़ें सीखी मैंने। एक चीज़ आपसे ये ज़रूर सीखी कि आप
अपने घर में जब मैं पहली दफ़ा गया तो मुझे तब ये पता चला कि हर चीज़ की अलहदा कूड़े की टोकरी थी, जिस चीज़ में ये छिलके विलके जाएंगे, कागज़ किधर जाएगा, ये क्या सिलसिला है? मैं चाहता हूँ ये लोगों से आप ज़रूर शेयर करें क्योंकि एक बहुत अहम बात है जी। एक्चुअली ये जो हमारे अभी जैसे मैं इनको देख के बड़ी परेशान हो रही थी, मैं जो हरी मिर्चें मैंने काटी हैं अब इनका मैं क्या करूँगी, तो हमारे घर में एक डब्बा है उसमें हम सारे छिलके जो सब्जियों के, फल के, बीज वगैरह ये सब हम उसमें फेंक देते हैं। उसमें आप कोई पकी हुई चीज़, रोटी, गोश्त, हड्डियाँ, इस तरह की चीज़ नहीं डालते, लेकिन इससे हम अपनी खाद बनाते हैं और वो तकरीबन गर्मियों में तो 2-3 महीने में वो तैयार हो जाती है, सर्दियों में थोड़ा और लंबा उसको टाइम लगता है, लेकिन कराची की सर्दियां तो सच होती नहीं, तो वो बड़ी अच्छी उसकी खाद बनती है। और जो हमारे घर से कचरा एक्चुअली फेंकने के लिए निकलता है वो थोड़ा सा ही निकलता है, तो हमारे यहाँ मुल्क में ये भी एक फ़ायदा है कि रिसाइकलिंग आपकी डोर स्टेप पर हो जाती है, जो कबाड़िए और कबाड़ वाले जो लोग हैं ठेला लेकर, लाहौर में भी ऐसे ही होता है, हो जाती है कुछ हद तक तो, लेकिन अब मुझे लगता है उतना ट्रेंड नहीं रहा, लोग बड़े बड़े थैलों में हर तरह का कूड़ा डाल के, तो हमारे यहाँ तो वो बच्चे भी बेचारे जो हैं साइकिल पर थैलियाँ लेकर कचरे में ढूंढते रहते हैं। आप ऐसे बच्चों को थैलियाँ घर से बनाकर दे दिया करें ताकि उनको कचरे में जाकर खतरनाक शीशे विशेवे और कीलों में, और फिर हमारे समंदर, दरिया और जितने और पानी की जगह हैं वो फिर नाले ना बन जाए, मतलब रावी भी प्लास्टिक की थैलियां ना यूज करें, बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। इसका वैसे कोई एक ट्रिक बताएं लोगों को, क्योंकि इसका एक बहुत आसान ट्रिक है प्लास्टिक की थैली अवॉइड करने का, वो क्या हो सके? हम उसको अवॉइड तो इस तरह से आप कर सकते हैं, आप अपना कपड़े की थैली लेकर जाएं साथ, या अगर आपने थैली ही लेनी है तो एक ही रख लें, वो दोबारा इस्तेमाल कर लें। लेकिन कपड़े की थैली या टोकरी, हमारे यहाँ इतनी खूबसूरत टोकरियाँ होती हैं जो, एंड दे आर वेरी फैशनेबल आल्सो नाउ, वो फार्मर्स मार्केट से मिलते हैं। जो मुझे याद आया बचपन में बहुत छोटा था मैं, तो तब मुझे पता नहीं था कि उसको पंजाबी में कहते हैं, हम पंजाबी में टोकरी को पच्छी कहते हैं। तो जो मेरे नाना थे वो जब सौदा लेने के लिए जाते थे तो पच्छी साथ लेके जाते थे, तो प्लास्टिक की भी होती थी और वो तिनकों वाली भी, और ऊपर से ऐसे लॉक हो जाती थी, सो बाजार जाने का तस्वर पच्छी के बगैर था ही नहीं। सो आई थिंक कुछ चीज़ें वही जो बुनियाद की तरफ हमें वापस जाने की ज़रूरत है। और ये जो धुआं है ये इस वक्त गर्मी में मुझे झुलसा सा रहा है, लेकिन कीमा तकरीबन बनने के करीब है, मैंने इसको दम लगाना है, लेकिन अभी इसको दम लगाऊंगा और आपसे थोड़ी देर के लिए गायब होने की इजाज़त चाहूंगा। वापस आएंगे तो आपके लिए आज बनाएंगे मैंगो सालसा और फालसे का शरबत। हाँ जी, हम अब कीमे को रखेंगे दम पे, लेकिन दम पे रखने से पहले उसमें वही जो सब मसाले उस वक्त मैंने डाले थे निम्रा, उसको हम थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे ताकि मज़ीद खुशबू, थोड़ी सी सौंफ, थोड़े से मेथी के बीज और थोड़ी सी कलौंजी और ऊपर ये मेरी बड़ी बहन की ट्रिक है कि मिर्च जो है वो दम के वक्त और वो फ्राई करते हुए भी डालती हैं, तो ज़रा उसकी खुशबू ज़्यादा आती है, तो थोड़ी सी मिर्च ऊपर डाल के अब मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ दूंगा दम पे। मैंगो सालसा के लिए जनाब ये एक टमाटर जिसके बीज निकाल लिए मैंने निम्रा, ये आपके पास आ गया, एक प्याज दरमियाने दरमियाने साइज़ की सब चीज़ें थी, मैं खाली पूरा नहीं डालती, ये बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है इतना? आप बताएं, आप देखें आप अपने जायके पे, आप वैसे प्याज से कुछ ज़रा मुझे लग रही थी थोड़ी सी मुतनफ़र। और एक जनाब अब मैं ये वाली हरी मिर्च तो अपने गार्निश के लिए बचा लूँगा, निम्रा को बग़ैर बीजों के मैं एक बहुत फाइनली चॉप जो है वो ग्रीन चिली दूंगा। निम्रा बीज निकाल दूँ जी तेज़ी ताकि ज़रा थोड़ी सी, ये बताएं ये आम इससे ज़्यादा होना चाहिए? मेरा ख्याल है थोड़ा आम सबसे ज़्यादा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो जनाब इसके अंदर आप इसके अलावा डालेंगे थोड़ा सा जैतून का तेल और ड्रेसिंग वाला जो कि आप कच्चा वाला जो होता है, एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल डलेगा, और इसके अंदर मैं आपको वहाँ से अभी लीमू दूंगा और नमक के मेरा ख्याल है हम दोनों ही कुछ ज़्यादा फ़ैन नहीं हैं, थोड़ा सा नमक हम डाल देंगे। और मैं सरसब्ज़ बाग जनाब यहाँ पे तोड़ता हूँ, लीमू इसमें हम निचोड़ते हैं, थोड़ा सा नमक इसमें अभी ही डाल देते हैं ताकि किसी को कोई गिला ना रहे, बस जी
वेलकम बैक, मैं हूं यहां पे मौजूद अपने मेज़ालूना के साथ में। इसका मतलब क्या होता है और मैं आपको बताता चलूं, ये जो चीज़ है ये मेरे कुकिंग का जो ये कुछ अनाड़ी सा शौक है उसकी वजह से निमरा ने मुझे बर्थडे प्रेजेंट के तौर पे दिया था। एंड इट्स एन ओरिजिनल जेमी ऑलिवर्स। मेज़ालूना मतलब हाफ मून। हाफ मून, तो जनाब आप देख रहे हैं ये हाफ मून वाला जो मेरा ये एक और औजार है। सो अब मैं इसके अंदर निमरा आपको थोड़ा सा धनिया जी, और मेरे पास वैसे धनिया नहीं पार्सली है, आज चलेगा पार्सली? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि वैसे तो इसमें धनिया वैसे जाना चाहिए, उसका जायका फ्रेश। हाँ, लीमू आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना चाहें आप निचोड़ दें। बहुत ज्यादा लिक्विड ही तो नहीं हो जाएगा ज्यादा नींबू से? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ओके, मैं आपको मिंट चाहिए उसमें थोड़ा सा? बिल्कुल, थोड़ा डाल दूं? तो थोड़ा जनाब पुदीने के पत्ते भी जो हैं वो मैं अपने मेज़ालूना के अंदर, और आपको दिखाऊंगा कि मैं अपना मेज़ालूना कैसे चलाता हूँ। अच्छा जनाब, फालसे का जो शरबत आपके लिए मैं बना रहा हूँ, शरबत तो नहीं इसको जूस कह लीजिए, इसमें सिर्फ एक काम आपने ये करना है, वही जितना आप इसके अंदर चीनी नमक अपने हस्बे जायका डालना चाहते हैं वो पानी लेके, उसमें वो चीनी हमने शक्कर डाला है, शक्कर और नमक और फालसे इसको भिगो दें, जितनी देर तक भीगा रहेगा उतनी देर तक वो ज़रा फूल जाएगा, उसको ब्लेंड होना आसान होगा। और नमक कोशिश करें तो आप काला नमक इस्तेमाल कर लें, और इसको आप ब्लेंड कर लेंगे, उसके अंदर ठंडा पानी और बर्फ़ डालेंगे, एंड दैट इज़ इट्स लाइफ इज़ ब्यूटिफुल। निमरा, एक छोटा सा सेंटिमेंटल सेक्शन मेरे प्रोग्राम का ये होता है कि आपने किसी एक ऐसे इंसान का कैमरे में देख कर शुक्रिया अदा करना है जिसने आपके लिए या तो बहुत प्यार से या कुछ बहुत ऐसा शानदार बनाया हो या बहुत अरसे तक कुछ पकाया हो, तो उसका एक शुक्रिया कि उसने आपको खिलाया पिलाया। सारा डाल दूँ? बिल्कुल, तो आप उनका शुक्रिया अदा करेंगे। अच्छा, जाहिर है अम्मी बहुत कुछ खिलाया और अभी भी खिला रही हैं। जब मैं दूर रहती थी तो उस वक्त मुझे उनका बहुत याद आता था पका हुआ खाना, और जब वो आती थीं तो हमारे घर में से अजीब सी बहुत अच्छी सी खुशबू आती थी जो उनकी ना नहीं होते हुए नहीं आती थी। लेकिन अम्मी आपको हमें कुछ थोड़ा बहुत सिखा देना चाहिए था। देखिए, हम सरमद इतना अच्छा खाना पकाता है, मुझे आता नहीं है कुछ, तो ये तो हो गया अम्मी का शुक्रिया। दूसरा एक मुझे करना करना चाहिए ना। हाँ, तो वो हनीफ ने ना बहुत मुझे बहुत पका के खिलाया खाना, और मेरे ख्याल में क्योंकि अब तकरीबन उतना ही टाइम हो गया शादी से पहले शादी के बाद, तो मैं कहूँगी कि उसने के हनीफ तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो, और ज़रा थोड़ा रोज़ बना लिया करो, ऐसे कभी कभी तो नहीं होना चाहिए। और इन्हीं दोनों लोगों का मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि खुसूसन निमरा की जो वालदा हैं उनको पता चला कि मैं बीफ और मटन शौक से नहीं खाता, वो मेरे लिए खुसूसी तौर पे चिकन की नहारी बना के भेजती हैं। हनीफ जितना अच्छा पॉट रोस्ट नहीं अवन रोस्ट करता है चिकन को, बहुत अच्छा, लवली। इसको जनाब हम कुछ देर के लिए जूस करेंगे। निमरा, मुझे वैसे ज़ाती तौर पे अगर कुछ छोटा मोटा बीज आ जाए तो बुरा नहीं लगता, आप इसको छान भी सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ी देर सिर्फ रहने दें तो इसके बीज खुद ब खुद नीचे बैठ जाते हैं शर्मिंदा से होके कि हम क्यों थे। निमरा, वैसे फालसा एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो मेरा ख्याल है सिर्फ हमारे यहाँ ही होती है सब कॉन्टिनेंट। हाँ, और बहुत थोड़े से अरसे के लिए आती है। हाँ जनाब, आज निमरा बुच्चा मेरी हमजाद ने मेरे साथ मिलके यहाँ पे बनाया कीमा। इस कीमे का नाम है निमरा बुच्चा स्पेशल। इसके साथ हमने बनाया आम का सालसा। सालसा आमतौर पे टमाटर प्याज, उसमें आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। इसमें चूंकि मौसम के एतबार से आम, और निमरा ने कहा कि आम को बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो बहुत ख़ास चीज़ है आम, वो था। और साथ हमने बनाया फालसे का शरबत और गर्म फुलका है जो कि मज़ीद भी बन जाएंगे। निमरा बुच्चा शुक्रिया इसलिए अदा नहीं करूंगा कि हमजाद का शुक्रिया आप भी ना करें। मैं भी ना करूं। लेकिन हमजाद को खाली हाथ हम नहीं जाने देंगे। हमजाद के लिए कुछ देसी और ऑर्गेनिक चीजें हैं जो कि आप अपने घर जाके कराची में हनीफ को कहिएगा इस्तेमाल कर ले खाने पकाने में। मुझे पका के खिलाएं। जी 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 जी, हनीफ प्लीज। एक छोटा सा टोकरी आपके लिए और भी है। आप मुझे दोबारा बुलाए ना, एक एक दफा तो। लालच, मुझे लालच हो रही है, बिल्कुल हो रही है। सो निमरा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, खुश रहिए। एंड आई थिंक हम बहुत जल्द फिर दोबारा हमजाद नहीं बनेंगे लेकिन कुछ और बनेंगे, कुछ और नया करना चाहिए। थिएटर, यस यस, बहुत ज्यादा थिएटर और खाना, खाने का थिएटर।
देखते रहिए स्टार इफ्तार विद सरमद खुसर्ट, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे खाने को बर्दाश्त करने का। निमरा बुच्चा से हम मग्गा साइन कराएंगे, कल तक के लिए खुदा हाफिज़।